नमस्ते आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मकाई के आटे और बेसन का बहुत ही नई रेसिपी के साथ नाश्ता, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट बगैर देर किए हुए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है कद्दूकस करके 2 से 3 आलू को। अब मैं इसमें डाल दूँगी 150 ग्राम के लगभग मैं इसमें गेहूं का आटा डालूंगी। अब मैं इसी मेजरमेंट से मैं इसमें आधा कप डालूंगी मकाई का आटा। अब उतना ही मैं इसमें डालूंगी बेसन। इन सारे सामान को मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, मैंने लाल मिर्च को बारीक कट करके रखा था वो डाल देती हूँ। 1 चम्मच में डालूंगी इसमें जीरा भुना हुआ पाउडर। 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें हरे धनिए का पाउडर। 1 से 2 चुटकी हींग डालूंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हाथ से मसल के अजवाइन डालूंगी 1/2 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। अब इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर डालूंगी 1 चम्मच। स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। एक चम्मच जीरा भी डाल देती हूँ मैं। अब लास्ट में इसमें मैं डालूंगी, मैंने 2 चीज़ लिया था बारीक कट करके, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। इन सारे सामान को मैं अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ। मैंने सारा सामान अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अभी मैं इसको आटे के जैसे अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से गूंद के ले लेती हूँ। इसको ज़्यादा एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, एकदम गीला नहीं करना है, थोड़ा ये स्टिकी रहना चाहिए। तो देखिए अभी ये हो चुका है, इसमें ज़रा सा भी मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिना पानी का ये गूंद के हो गया है, क्योंकि आलू में थोड़ा मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा बिना पानी का गूंद के हो गया है। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। अभी हम इसको हम आधा ऐसे ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं आटा डाल देती हूँ। तो ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज में इसको थोड़ा सा हम बेल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा डाल देंगे तो अच्छे से ये बेल के हो जाएगा। अभी मैंने इसको इतना बेल करके दे लिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करके देना है, एकदम मीडियम ही रहना चाहिए। इसको मैं कट करके ले लेती हूँ।
इसको इसी तरह से कट करके ले लेने का है। आप अपने हिसाब से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से सारा करके हम ले लेते हैं। देखिए मैंने ऐसे सारा बना के ले लिया है। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इसको मैं अच्छे से घोल बना के ले लेती हूँ। देख सकते हैं तो ऐसे ही बना के लेने का है। और इसमें मैं ऐसे सारा करके इसे एक एक करके मैं कढ़ाई में डालूंगी। ऐसे मैं एक एक करके डालते जाती हूँ। गैस का फ्लेम मैं स्लो ही रखती हूँ अभी तक। आप चाहें तो इसको स्लो फ्राई भी करके खा सकते हैं। अभी जितना आ सकता था मैंने इतना डाल दिया है। इसको मैं भूने देती हूँ स्लो फ्लेम पे। देखिए अभी नीचे से हो चुका है। इसको मैं अभी पलट देती हूँ। इतना अच्छा कलर बन के रेडी हो रहा है। जब हो जाता है तो नीचे से छोड़ने लगता है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। देखिए अभी मैंने इसको पलट दिया है। कितना एकदम अच्छा एकदम फूला फूला बनके तैयार हुआ है। अभी ये हो चुका है। अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। इसी तरह से मैं सारा बना के दे देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नाश्ता बनके गर्मा गर्म तैयार हो गया है। देखिए कितना फूला फूला और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इतना अच्छा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ऊपर से क्रंची है और नीचे से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी ज़रूर बना के खाइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।